तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल मैक में। तो आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं आपको, जो भी फिटर ट्रेड वाले दोस्तों है हमारे, जो भी फ्रेंड्स है, तो उनको हम हमारे दोस्त मिस्टर सुधीर राठौर जी से मिलवाएंगे, जिन्होंने 2021 में मेरे साथ ही BRC में सिलेक्शन लिया था। तो उनसे आप जान सकते हो कि कितना कट ऑफ गया था, अभी आने वाले समय में कितना कट ऑफ जाएगा, है ना। और थोड़ी बहुत वो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बताएंगे, उन्होंने कैसे पढ़े थे, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पे जो लोग नए आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपके डाउट वगैरह लगते हैं तो कमेंट करिएगा खूब से खूब, जिससे हमारे सुधीर जी भी आपकी मतलब कमेंट का रिप्लाई दे देंगे हमारे द्वारा, है ना। और जो लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया, लेकिन आप नए हो तो आप हमारा चैनल पूरा रिव्यू कीजिए, आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, बुक्स रिलेटेड कैसे तैयारी करनी है क्या है, तो पूरा चैनल रिव्यू करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के दौरान। तो चलिए मिस्टर सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। तो आप लोगों को थोड़ा देख लीजिए, सुधीर जी बता रहे हैं, तो सुधीर जी आप बताइए, थोड़ा सा अपना इंट्रो दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर राठौर है, मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने 2021 लास्ट में BRC कल्पकम के लिए क्वालिफाई किया था और मैं अभी यहाँ ज्वाइन हूँ, BRC कल्पकम में मैं ज्वाइन हूँ और यहाँ जॉब कर रहा हूँ, अमर जी के साथ ही जॉब कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे इस क्लास के लिए बुलाया है कि आप जो फिटर वाले बच्चे हैं उनके थोड़ा हेल्प कीजिए, पढ़ाई में हेल्प कीजिए, उनको बताइए कि गाइडेंस दीजिए कैसे उनको आगे बढ़ना है, एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है आसानी से, बस इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। बस अब जैसा कि अमर जी ने बताया कि कट ऑफ कितना जाएगा, कई बच्चे पूछ रहे हैं, कट ऑफ देखिए डिपेंड करता है कि पेपर आता कैसा है। एक्चुअली अगर पेपर जो है आसान आता है, इजी वे में अगर जो एग्ज़ामिनर है वो क्वेश्चंस पूछता है, उस टाइम पे होता यह है कि कट ऑफ वेरी हाई जाता है। जैसा कि हमारे टाइम पे देखा जाए 2021 में हुआ ये था कि पेपर जो था एक कहा जाए तो 75% ईजी मान लीजिए उसको, तो उस टाइम पर हमारा कट ऑफ बहुत हाई गया था, 146 जो हमारा था जनरल का कट ऑफ गया था, अबाउट आफ्टर 150 में से 146 आपको लाना था जब तक आप जनरल में सेलेक्ट हो पाओगे। जो OBC था उसके लिए आपको 147 यानी कि 147 आपको मार्क्स होने चाहिए थे 150 में से, जब जाके आप OBC के लिए सेलेक्ट हो पाओगे फिटर के लिए। तो ये जो था हमारे टाइम पे कट ऑफ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे पेपर आसान था और लोग काफ़ी आसानी से उसे कर पा रहे थे, तो ये था। इस टाइम पे जो है कि हमें आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट इस बार BRC ने निकाली है, हमने हमारी ज़िंदगी में कभी इतनी पोस्ट नहीं देखी है कि BRC कभी इतनी पोस्ट निकाल देता है। तो इस बार आपके पास गोल्डन चांस है, इस चांस में देखिए कि कट ऑफ जो है मुझे लग रहा है कि कम जाएगी, बिकॉज पोस्ट इतनी सारी है और बच्चे भी फिटर से तैयारी करने वाले बहुत हैं, लेकिन जितनी वैकेंसी है उतने नहीं होंगे मेरे हिसाब से। तो देखिए इस बार जैसा कि मैं बताऊं, OBC की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही जाएगी, BRC में OBC की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाएगी। BRC की कट ऑफ आप मान लीजिए एवरेजली अबाउट 135 टू 140 अप्रोक्स, 135 टू 140 अप्रोक्स इस बार भी जाएगी। और जनरल की ले लीजिए आप, जनरल की जो कट ऑफ है 125 टू 130। अब ये मैं जो बता रहा हूँ डाटा, ये इस हिसाब से बता रहा हूँ कि एक मीडियम एवरेज तरह का जो टफ पेपर है वो आएगा तब। अगर मान लीजिए कि ईजी पेपर आ जाता है तो इस कंडीशन में भी थोड़ी हाई भी जा सकती है कट ऑफ, बट आप मीडियम एवरेज पेपर के हिसाब से लेंगे तो इतनी जितनी मैंने कट ऑफ बताई है उतनी ही कट ऑफ जाएगी। धन्यवाद अमर जी। तो थोड़ा सुधीर जी आप ये बताइए कि आपने मतलब जब तैयारी की थी तो थोड़ा उस समय आप क्या साइंस के लिए, जैसे फर्स्ट स्टेज होता है ना दोस्तों, आप लोगों को पता होगा फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज हमारा स्किल टेस्ट है, फर्स्ट स्टेज हमारा प्री टेस्ट है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो थोड़ा इन्होंने किस मतलब रणनीति से, क्या स्ट्रेटजी थी इनकी, तो उन्होंने मतलब तैयारी की थी तो वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त देख रहे हैं वीडियो को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। हमारे सुधीर जी का भी टाइम बहुत वो है, उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप, बहुत लोगों की कमेंट आ रही है ना, तो बीच बीच में वीडियो भी हम लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी BRC के फिटर ट्रेड के क्वेश्चन है उनका भी हम सुधीर जी के द्वारा सॉल्व करवा के आपको दे देंगे बीच बीच में, है ना, टाइम मिलने पर। सुधीर जी को जैसे जैसे टाइम मिलेगा वो वीडियो लाते रहेंगे। तो सुधीर जी आप थोड़ा फर्स्ट स्टेज का इनको जानकारी दे दीजिए कि आपने कैसे तैयारी की थी, आपका कितना मार्क आया था फर्स्ट स्टेज में, थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल धन्यवाद अमर। जैसा कि मैं आपको बताऊं, अमर जी और मैंने डिसाइड किया है कि हम एक फिटर का टेस्ट सीरीज़ भी लाएंगे, तो आप चैनल पर बने रहिए और उसको मैं आपको उसका लाभ उठाने का मौका भी मिलेगा, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम पुट करेंगे,
जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था तो फर्स्ट स्टेज हमने दिया था। फर्स्ट स्टेज जो हमारा था काफ़ी टफ पेपर आया था। एक्चुअली उस टाइम पे टफ पेपर आया था, लोग काफ़ी कुछ उसमें क्वेश्चंस कर भी नहीं पाए थे, तो उस कारण से जो हुआ था कि BRC ने सबको क्वालिफाई कर दिया था और किसी को कट ऑफ नहीं बताया कि कितना कट ऑफ आया, उसके कारण हमें उसके बारे में पता नहीं है इतना। लेकिन जैसा कि अगर मैं अपनी तरफ से आपको सलाह देना चाहूँ कि आपको अगर फर्स्ट स्टेज का प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए जो साइंस के लिए जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक बुक आता है नीमी का, उसको आप पढ़िए, वो बेसिक है। उसके बाद फिर आप जाइए अदर थिंग्स, जैसे कि लूसेंट हो गया, लूसेंट का आपको साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, इतना अगर आप पढ़ेंगे, और 10th लेवल की जो हमारी NCVT की बुक आती है उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो उतना साइंस के लिए बहुत है, उतना आप पढ़ लीजिए, उतना आपके लिए बहुत है, उसमें से ही आपको जो क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए मैं बताऊं आपको, साइंस के भी 20 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस आपके GA के आएंगे। तो GA पे आपको इतना फोकस नहीं करना है, जनरल अवेयरनेस पे बेसिकली आपको फोकस करना है, साइंस और मैथ्स पे। साइंस के लिए मैंने आपको बताया है, मैथमेटिक्स के लिए जो है एडवांस मैथ जो है आजकल चलन ज़्यादा हो गया है पूछने का। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे एक दोस्त ने हरियाणा NPCL गोरखपुर का पेपर दिया था, उसमें उसने बताया है कि एडवांस मैथ उसमें कहीं हद तक बहुत ज़्यादा पूछी है। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है कि एडवांस मैथ मान लीजिए कि 60-70% एडवांस मैथ आ सकती है और अप्रॉक्स 30-35% आपका अर्थमेटिक पूछ सकता है। तो तैयारी आपको दोनों की रखनी है, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको एडवांस मैथ पे देना है। एडवांस मैथ में मैं आपको कहीं टॉपिक बताता हूँ, जैसे कि लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशंस, अलजेब्रा, बाकी सब जो भी एडवांस मैथमेटिक्स में टॉपिक्स आते हैं ये सब मेन हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान से देख के कहिए, आपका फर्स्ट स्टेज आसानी से क्वालिफाई होगा, बस इतना सी ध्यान रखिए। अब एडवांस स्टेज की जैसे कि मैं बात करूँ, एडवांस स्टेज मेरे टाइम पे हम जो पढ़ते थे बुक, वो मेरी बुक थी RP, रॉयल पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है, उसमें से आपको कई क्वेश्चन आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे। मान लीजिए 50 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो उसमें से आपको अबाउट 40-42 तो क्वेश्चन आराम से आपको उसमें से मिल जाएंगे। उसके बाद जो देखिए 40 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो रिपीट, उसमें से 30 तो रिपीटेबल हो जाते हैं, बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो आपके बुक्स प्रेफरेंस पे मिल जाएंगे, बाकी जो 10 है वो आपके प्रैक्टिकल बेसिस पे और आपका माइंड कितना चलता है उस बेसिस पे आपको निकालने पड़ेंगे। क्योंकि जो एग्ज़ाम में जो 5-10 क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पुट करता है कि आदमी को अपना मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो लगाना पड़ता है उसमें, उसके बिना वो नहीं हो पाते। हमारे टाइम पे हम जैसे कि हम बताएं तो करीब 45 क्वेश्चंस तो हमने इजीली कर दिए थे, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें हमें बहुत ज़्यादा उस पर सोचना पड़ा। 2 आवर का हमारा पेपर होता है एडवांस टेस्ट, उसमें जब हमने जब किया तो 15-20 मिनट्स में हमने 45 क्वेश्चंस डन कर दिए थे, बाकी 5 क्वेश्चंस को सोचते हमने पूरा 2 आवर बिता दिया और फिर लास्ट में जाके हमने सबमिट किया हमारा पेपर, ऐसा कुछ हुआ था। तो जैसे कि एडवांस टेंस के लिए मैंने आपको बताया कि RP की बुक आती है, रॉयल पब्लिकेशन बेस्ट है, उसके अलावा नीमी ले लीजिए, नीमी भी बेस्ट है, बलवीर सिंह आती है, बलवीर सिंह बेस्ट है। मॉक टेस्ट अगर आपको देने हैं तो उसके लिए यूथ कंपटीशन की एक बुक है, वो 7000 अप्रॉक्स उसमें MCQs पूछे गए हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। उसके अलावा जो नई नई बुक्स आती हैं जो क्विक रिवीजन के लिए होती हैं वैसी लीजिए। एक चार्ट आता है यूथ कंपटीशन का, एक चार्ट आता है वो बहुत अच्छा चार्ट है, उसमें आप देख सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा चार्ट है, वो अभी अपने साथ रखिए, बस उतना काफ़ी है। एडवांस टेस्ट के लिए अगर आपने उतना पढ़ा और आपकी अच्छे से मेहनत रही तो आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस बार वैकेंसी बहुत है, गोल्डन चांस है आपके लिए। धन्यवाद अमर। तो देख लीजिए दोस्तों, इन्होंने कैसे मतलब उनका बताया है ना, और आप लोग भी इनकी तरह थोड़ा फॉलो कर लीजिए तो आपको भी आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत हेल्पफुल थिंग्स इन्होंने बताए हैं, तो बहुत आपको मददगार रहने वाला है। और मैं बता दूँ, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर एग्ज़ाम कब तक हो रहा है, तो एग्ज़ाम का आप टेंशन छोड़िए, एग्ज़ाम आपके पास पूरा जुलाई मंथ है, जुलाई मंथ में आपका बिल्कुल कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना। लेकिन जुलाई के बाद जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको बताऊँगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है ना, मुझे जैसे ही कुछ सूचना मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जुलाई मंथ तक आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। और सबसे पहली बात बता दूं कि एग्ज़ाम होने से पहले, एडमिट कार्ड आने से पहले आपकी स्क्रीन लिस्ट निकलती है, जिसमें आपके कुछ लोगों के फॉर्म सिलेक्ट होते हैं, कुछ लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसलिए स्क्रीन इन और स्क्रीन आउट लिस्ट निकलती है। उसके 15 से 1 महीने बाद आपका
लगभग एडमिट कार्ड आ जाता है, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होता है। तो मैं एक्सपेक्टेड मेरे अंदाज से बता दूँ, जो आपका एग्ज़ाम अगस्त में भी होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगस्त के एंडिंग या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, ये मेरे अनुसार बता रहा हूँ एक्सेप्टेड। ठीक है, तो आप जुलाई का मंथ आपके पास पूरा है, तो आप ऐसी तैयारी करिए कि अगस्त में यदि 1 तारीख को भी एग्ज़ाम हो रहा है तो हम जुलाई में ही मतलब उसको प्रिपेयर कर ले एग्ज़ाम को। ज़्यादा वेट मत कीजिए, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना रहेगा, तो आप थ्योरिटिकल जितनी भी क्लासेस है आपकी जुलाई तक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दीजिए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है आपका, है ना। और थोड़ा सा स्किल टेस्ट के बारे में बता दीजिए मिस्टर सुधीर जी। बिल्कुल, धन्यवाद अमर, जैसे ही आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अगर जैसा कि आपने बोला कि स्किल टेस्ट के बारे में, देखिए एडवांस टेस्ट जब आपका निकल जाता है उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के बुलाया जाता है। एडवांस टेस्ट में देखिए, जैसे कि अमर जी ने एक बात बोली है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि आप ये मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, आप अपनी प्रिपरेशन 100% रखिए। आप यही सोचिए कि एग्ज़ाम हमारा कल है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी रखिए, क्योंकि देखिए BRC एकदम से धमाका कर देता है और एग्ज़ाम कभी भी आ जाता है। ये बेसिकली हमारे टाइम पर देखा जाए तो कोरोना बीच में आ गया था, नहीं तो हमारा फॉर्म फिलअप के बाद 1-2 महीने में एग्ज़ाम हो जाता। तो आप यही ध्यान रखिए कि 1-2 महीने में पेपर हो जाएगा, उस हिसाब से अच्छी तैयारी रखिए। अब जैसा कि स्किल टेस्ट के बारे में मैं बताऊं आपको, तो स्किल टेस्ट में जब एडवांस क्वालिफाई हो जाता है तो उसमें से 5 गुना लड़के जो है सेलेक्ट किए जाते हैं स्किल टेस्ट के लिए। आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, आपको ईमेल भेजा जाएगा, बुलाने के बाद आपको वहाँ पे प्लेट दी जाती है, एक फिटर वालों के लिए बेसिकली मैं बता रहा हूँ, एक SS या फिर जो MS की प्लेट दी जाती है, उस पर आपको अपना मार्किंग करके जॉब बनाना होता है। और सिंपल प्रोसीजर है, जॉब जो है इतना मुश्किल नहीं आता है। हमारे टाइम पे सिंगल पीस जॉब भी नॉर्मली दिए गए थे, फिटिंग जॉब भी आते हैं, जैसे कि टी फिटिंग हो गया, वी फिटिंग हो गया, ये सब जॉब अक्सर पूछे जाते हैं बेसिकली। पर हमारे टाइम पे तो जो है सिंगल फिटिंग जॉब ही दिया था, सिंगल पीस जॉब दिया था। तो उसे बनाने के लिए आपको लगभग 2.5 घंटे या 3 घंटे का समय दिया जाता है, मार्किंग उसी में आपको करनी होती है। बिल्कुल ईजी जॉब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपको लगता है कि आपका एडवांस क्वालिफाई हो गया है, तो 15-20 दिन तक भी अगर अपना जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने ITI किया है या फिर कहीं जहाँ पे आपका वर्कशॉप हो, तो वहाँ जाके आप आराम से प्रिपेयर कीजिए उसके लिए और आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। BRC किसी को निकालता नहीं है, जो हमारा स्किल टेस्ट होता है वो गो और नो गो बेसिस ही होता है ओनली, जैसे कि गेज लगा के उसको देखा जाता है, अगर उसमें हमारा जॉब जा रहा है यानी कि वो फिक्स है, और नहीं जा रहा है यानी कि वो नहीं है। तो बेसिकली वो है कि आप थोड़ा ध्यान रख के जॉब बनाइए और वो हमेशा क्वालिफाई होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टाइम पर जब हमने स्किल टेस्ट दिया था उसमें लगभग मान लीजिए कि 90-95% लड़के पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि आप बिल्कुल ही एक सिंगल प्लेट ही अगर सबमिट कर देंगे तो उसका तो BRC भी कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसी बात है। आप जस्ट अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और स्किल टेस्ट भी आराम से क्वालिफाई होगा, और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। धन्यवाद। तो देख लिया दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुधीर जी की बातें ध्यान से सुनी होगी तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, है ना। उन्होंने कितने अच्छे से कहा है कि स्किल टेस्ट में आप लोगों को मतलब 90-95% ले लिया जाता है, वो कि बाई चांस ही जिसको कुछ नहीं आता है तो वही बंदा रिजेक्ट होता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लगभग 5 गुना बंदों को बुलाया जाता है एक पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आप भी इनकी तरह यहाँ पर आएंगे, मेरी तरह यहाँ पर आएंगे, आपको भी एक गवर्नमेंट की तरफ से BRC की तरफ से आप बोल सकते हो खुशियों से भरा लव लेटर या ज्वाइनिंग लेटर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द आपके पास भी। तो आप अपनी मेहनत पे कंटिन्यूसली फोकस कीजिए, आप अपना 100% दीजिए, डेफिनेटली आप सिलेक्ट होके यहाँ पर आओगे। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और जो भी लोग नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग पुराने हो तो हमारे सारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके डाउट वगैरह होते हैं, है ना। तो चलिए सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे को टाइम दिया इसके लिए। और दोस्तों देख लीजिए, ये भी इनका कीमती टाइम निकाल के आते, तो आप लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा हो सके हम बीच बीच में मतलब आपको टेस्ट सीरीज़ भी देखने को मिल जाएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, है ना। इनकी तरफ से भी मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये बना देंगे, है ना। तो आप लोग देख लीजिए, बस चैनल को सपोर्ट कीजिए। लगभग अभी BRC की वैकेंसी तक 10,000 तक हमारे को पहुँचा दीजिए, 10,000 सब्सक्राइबर तक, तो हम भी और आगे आपको बहुत ही मतलब ये चैनल बहुत ही शानदार बनाया हूँ मैं, कि आप लोगों को बहुत अच्छी मतलब हेल्पफुल रहने वाला ये चैनल। यदि आप फ्यूचर में भी जुड़ते हो ना हमारे चैनल से तो बहुत मददगार रहने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा आप। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।